तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः तत् सारा इदं यः श्रोतुं सुनने को इच्छामः सभी इच्छा कर रहे हैं गदितुं वर्णन करने को यदि यदि मन्यसे आप सोचते हो ब्रूहि कृपा करके कहें नह हमसे श्रद्धधानानां श्रद्धालुओं को यस्य जिसका ज्ञानम दिव्य ज्ञान अदात प्रदान किया शुकः श्रील शुकदेव गोस्वामी ने अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके यानी कि महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं जिन्हें श्रील शुकदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तात्पर्य, श्रील शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की तरह ठीक से सुना। श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार के प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर समान रूप से पड़ता है। इससे दोनों लाभान्वित होते हैं। श्रीमद् भागवतम में भक्ति के जिन 9 विभिन्न दिव्य साधनों का वर्णन हुआ है, उनमें से सभी या कुछ का या किसी एक का भी यदि ठीक से पालन हो तो वे समान रूप से लाभप्रद होते हैं। महाराज परीक्षित तथा श्रील शुकदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम 2 साधनों अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे, अतएव दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। इस कलयुग में एक विशेष प्रकार के गुरु तथा शिष्य का प्रचार हो रहा है। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के माध्यम से शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट कराई जाती है और शिष्य को उसके आघात का अनुभव होने लगता है। इससे वह अचेत हो जाता है और गुरु तथाकथित आध्यात्मिक निधि के क्षीण हो जाने पर रोता है। इस युग में इस प्रकार का झूठा विज्ञापन चल रहा है और निरीह जनता ऐसे विज्ञापन का शिकार बन रही है, किंतु श्रील शुकदेव गोस्वामी तथा उनके महान शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएँ प्राप्त नहीं होती। मुनि ने अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवतम सुनाई थी और राजा ने उसे अच्छे से सुना था। राजा ने ना तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया था, न ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वे अचेत हुए थे। अतएव लोगों को चाहिए कि वे वैदिक ज्ञान के इन निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञापनों के बहकावे में ना आएँ। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदरपूर्वक श्रवण कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा श्रील शुकदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया था। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि उसे प्रामाणिक गुरु से गंभीर श्रवण तथा द्वारा ग्रहण किया जाए। ऐसे आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु न तो किसी चिकित्सीय कर्तव्य की और न ही योग के चमत्कार की आवश्यकता है।
यह विधि सरल है लेकिन सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहवैरकुलाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुख्य रूप से तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जिस चीज के ऊपर बल दे रहे हैं वो है, ठीक है कोई बात नहीं, उसे अपना काम करने दीजिए। ठीक है कि हमें परीक्षित महाराज के विषय में सुनाइए। हम जो श्रद्धावान हैं और उनकी अभी एक गुण बताया है परीक्षित महाराज के विषय में, जिसके कारण से हम उनके विषय में सुनने के लिए आतुर हैं, तो वो क्या गुण हैं? यस्य ज्ञानम अदात शुकः, जिसके ज्ञान को शुकदेव गोस्वामी के द्वारा दिया गया, उनके विषय में सुनाइए। इस कारण से परीक्षित महाराज जो हैं वो सुनने के पात्र बन गए, क्योंकि उनका जो ज्ञान था वो दिया गया था एक अधिकृत गुरु के द्वारा। उनका जो पूरा जीवन जो उन्होंने, परीक्षित महाराज तो गर्भ के अंदर से ही भगवान के द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, लेकिन विशेष रूप से वो महान बने गए क्योंकि सुखदेव गोस्वामी से उनका ज्ञान आया था। ये उनकी महानता यहाँ पर बताई है, इसलिए हम उनके विषय में सुनना चाहते हैं, आप हमें सुनाइए। तो तो जो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं ये है दीक्षा की विधि, ये है वास्तव में गुरु शिष्य संबंध, ये वास्तविक गुरु शिष्य संबंध है। दीक्षा की एक परिभाषा है दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात्। दीक्षा वो विधि है जिसमें कि दिव्य ज्ञान शिष्य को दिया जाता है गुरु के द्वारा, और श्रील प्रभुपाद उसको भी समझाने के लिए एक गलत विधि क्या है, दीक्षा जिसको गलत विधि से लोग देते हैं वो क्या है, उसका भी वर्णन कर रहे हैं एक उदाहरण लेकर के। तो बात कह रहे हैं इस कलयुग में एक विशेष प्रकार के गुरु और शिष्य का प्रचार हो रहा है, जहाँ पर कि तो प्रभुपाद रेफर कर रहे हैं, इसमें नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि सामान्य रूप से पब्लिक में बिना नाम लिए बोलना ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि नाम लेने से जो भावुक लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स विचलित हो जाते हैं, इसलिए जनरल पॉलिसी ऐसी है कि नाम ना लिया जाए, क्योंकि हमें एनीवे हमारा मुख्य कार्य क्या है, हमें तथ्य बताना है, तो नाम हमारे लिए मुख्य नहीं है, तो उससे लोग जो हैं वो एकदम से भावुक नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा सुन पाते हैं, नाम बोलने से लोग अटैचमेंट होता है वो ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, तो ऐसी ये पॉलिसी भी जनरल प्रभुपाद रिकमेंडेड जनरली। तो तथाकथित गुरु क्या करते हैं कि वो शिष्य जैसे, दीक्षा क्या है,
करंट जैसा है, ऐसा वो लोग बताते हैं कि करंट जैसे विद्युत का एक धारा, तो एक कुछ दिव्य प्रोसेस है और एक करंट जैसा है, और वो लगा उसको शॉक जैसा, और शॉक लगते ही वो अचानक ढुंग उसको एकदम से सब साक्षात्कार हो गया। और केवल ऐसे नहीं हुआ, बल्कि गुरु को अभी ऐसा लगा कि मेरा सारा ज्ञान अभी ख़त्म हो गया, सब चला गया उसके पास। तो किस प्रकार से, कितने प्रकार से लोग जो हैं गलत धारणाओं में रह सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। कितने कितने गलत प्रकार से लोग भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि संसार में तो सारे जीव जो हैं वो मिथ्या धारणाओं को ही धारण किए हुए हैं। सब यहाँ सभी जो हम एकत्र हैं, सारा ये भौतिक संसार में सारे के सारे हम यहाँ पर इसलिए तो आए हैं क्योंकि हम सब कृष्ण को भूलने के कारण है, तो सबके अंदर बहुत कचरा घुसा हुआ है, बहुत प्रकार के गलत धारणाएं घुसी हुई हैं। इसलिए तो हम जन्म जन्मांतर से यहाँ बंधे हुए हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत गंदगी है, हमारे अंदर बहुत प्रकार के मिसकंसेप्शंस हैं। लेकिन समस्या क्या होती है कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि हमारे अंदर कोई मिसकंसेप्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन, जिससे कि बाकी सारे मिसकंसेप्शंस को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सामान्य रूप से जो व्यक्ति इस संसार में है वो ये सोचते हैं सभी, मैं जो सोचता हूँ बहुत अच्छा सोचता हूँ, मेरी धारणाएँ बहुत अच्छी हैं। हर व्यक्ति जो भी जिसकी धारणा है वो उससे अटैच होता है ना, मेरी ये सोच है और ये सही सोच है, ये अच्छी सोच है। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल काम है लोगों की गलत धारणाओं से मुक्त उनको कराना, बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस स्तर पे नहीं है कि हाँ हम गलत धारणा में हैं, हमें आप बताइए सही क्या है, हम सुनने, ये तो बहुत कम लोग हैं ऐसे। सामान्यतया सब लोग विश्वस्त हैं कि तभी तो वो पूरा जीवन उसके हिसाब से जी रहे हैं, पूरा जीवन उसी अनुसार जी रहे हैं, मतलब उनके अंदर तो बहुत जो भी वो सोच रहे हैं उसके प्रति बहुत अच्छी उनके मन में वो होगा कि कितना अच्छा मैं सोच रहा हूँ, बेस्ट। और विशेष रूप से जो जहाँ वैदिक संस्कृति नहीं है तो वहाँ पर तो इसी प्रकार की एक विचारधारा है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने आप से अपनी तर्क बुद्धि से सोचने के लिए, और तर्क ही प्रमाण है, जो तर्क से हमें लग रहा है कि ये सही है वो सही होगा क्योंकि तर्क कह रहा है। तो इसलिए विशेष रूप से जहाँ वैदिक संस्कृति नहीं है, जैसे कि आजकल की जो स्थिति है उसमें ये ज्ञान का प्रचार करना और बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति बड़ा विश्वस्त है कि वो अपने तर्क से अपने हिसाब से जो सोचेगा वो सही होगा। और अगर वो देखता भी है कि भाई सबके विचार तो अलग अलग हैं, तो उसमें एक और फिर एक भ्रांत धारणा ये भी है, जो जो सोचे उसके लिए वो सही, तो अभी और मुश्किल हो गया कि बताना कि भाई कोई सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि एक और भ्रांत धारणा क्या ऐड हो गई, यतो मत ततो पत, जो जैसा सोचे उसके लिए वो सही। क्योंकि वास्तव में या तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ परम सत्य है, एक सत्य ऐसा कुछ है ही नहीं, या अगर है तो उसको कोई जाना नहीं जा सकता। इसलिए हम तो केवल जो व्यक्ति जिसको जो सच लगे उसके लिए वही सही है, वही हाईएस्ट लेवल है, वही संभव है, इसे उसमें संतुष्ट रहो। इसलिए कोई किसी को प्रयास मत करो बताने का कि भाई ये सच है ये गलत है, ऐसा कोई प्रयास मत करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सही नहीं हो सकता कि वो सही है। आप आपके लिए सही हो सकते हो, आप मेरे लिए सही नहीं हो, मेरे लिए सही हूँ, ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग आज आधुनिक विचारधारा ये फैली हुई है कि कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, कोई परम सत्य नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से विचारधारा यही है कि इंद्रियों का और तर्क का प्रमाण ही प्रमाण है, वही हमें क्या चीज़ है, जो जो भी चीज़ इंद्रिय और तर्क से पता लगती है वही सही है। ये इतने ज़्यादा गहराई में घुसा हुआ है
आजकल की लोगों की विचारधारा में जिस तरह से वो पूरा बचपन से ट्रेंड होते हैं और पूरा माहौल इस प्रकार का है कि इसके विपरीत कुछ और सोचना या इसके परे कुछ सोचना लोगों के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। करेक्ट, किसी को बताना कि भाई आप जो आप सोच रहे हो जो तर्क से है वो गलत, उसके वो सही तरीका नहीं है, तो ये बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। तर्क से और किस चीज़ से करेंगे तर्क, शब्द प्रमाण, ये शास्त्र प्रमाण क्या, ये क्या प्रमाण है, इसको समझना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। लोग तो इसको सोचते हैं ये तो लिख दिया, ये तो किसी ने लिख दिया है, जैसे किसी ने लिख दिया ऐसे मैंने लिख दिया, मैं नहीं सोचता, वो भी सोच रहे हैं, तो क्या अंतर है। और वो तो कम से कम मैं तो यहाँ पर जो सोच रहा हूँ वो तो दिख रहा है कि हाँ ये कुछ तर्कपूर्ण है, यहाँ तो वैसी चीज़ लिखी हुई है जो कि तर्कपूर्ण भी नहीं लग रही हैं। तो इस तरह से हम विशेष रूप से बड़े कठिन समय में जी रहे हैं कलयुग के अंदर, जिसमें कि तथ्य को लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जब प्रकाशन सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आप ये सन्यासी होकर के या वेदांत दर्शन नहीं पढ़ते हैं और भावुक होकर के कीर्तन करते हैं, तो उन्होंने उनको बताया कि गुरु मोरे मूर्ख जानी करी लो शासन। उन्होंने मुझे मूर्ख जाना और उन्होंने बताया तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, वेदांत का अधिकार आपका नहीं है, इसलिए आप तो ये सर्व मंत्र सार है हरे कृष्ण मंत्र, आप ये मंत्र जपो बस। तो वास्तव में आज सामान्य लोगों की स्थिति ऐसी है कि तात्विक विचार जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन है वो ज़्यादातर लोगों से संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग ट्रेंड नहीं है ना बिल्कुल भी फिलॉसफी में, या तो मिस ट्रेंड है गलत तरीके की फिलॉसफी में, वो और ज़्यादा मुश्किल है। ये जो मॉडर्न तरीके हैं सोचने के, हाँ यस वी कैन थिंक यू कैन थिंक, स्पेकुलेशन अनुमान लगाना, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, या तो कोई कभी कुछ गहन चिंतन ही कभी नहीं करते हैं, उनका चिंतन केवल वीडियोस यूट्यूब क्लिप्स छोटे छोटे एक एक मिनट के, वही उनके जीवन में जो भी उनका दृष्टिकोण बनता है उसी से बनता है, तो कभी भी गहराई में किसी चीज़ को सोचने के वो अभ्यस्त ही नहीं है, उनका ऐसा प्रशिक्षण ही नहीं होता है कि किसी चीज़ को गहराई में कैसे सोचना है, विश्लेषण कैसे करना है, और ना वो इस चीज़ के अभ्यस्त होते हैं कि अगर संवाद होना है डिस्कशन होना है तो किस प्रकार से एक एक तथ्य को, इवन तर्क की बात भी करें तो बहुत लोग तो तर्क से भी तर्कपूर्ण तरीके से भी डिस्कशन हो ही नहीं सकता उनके साथ, क्योंकि वो तर्क से भी नहीं चलते हैं वो लोग, वो तो बस भाषा है बस ख़त्म, दैट्स इट, नो डिस्कशन पॉसिबल। तो इसलिए बड़ा कठिन समय है, ऐसे समय में कैसे, तो इसलिए सामान्य लोगों के लिए मुख्य है कि संकीर्तन प्रसाद ये सामान्य रूप से विधि है, धीरे धीरे थोड़ा सा शुद्धि होगा तब फिर कुछ सुनने लायक होंगे, कुछ फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें हमेशा से तथ्य का प्रचार तो करना ही है संकीर्तन के साथ साथ, क्योंकि भले ही लोग समझ नहीं पाए उसको पूरी तरह से, लेकिन उसको सुनने मात्र से उनकी शुद्धि तो होती है धीरे धीरे, और अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सब लोग तो ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग तैयार भी हैं सुनने के, तो उनको तो हमको सुनाना ही पड़ेगा, तो सब प्रकार के आयोजन होने चाहिए, कीर्तन भी है प्रसाद भी है फिलॉसफी भी है, हर एक व्यक्ति के अपने अपने गुण के अनुसार वो उस लेवल से शुरुआत कर सकता है। लेकिन जब कोई विशेष रूप से दीक्षा के लिए तैयार होता है, शिष्य बनना चाहता है, तब तो जरूरी है कि वो तैयार हो सुनने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने का उत्सुक हो, तब वो
वास्तव में शिष्य कहने का अधिकारी है, नहीं तो वो शिष्य अभी बनने लायक नहीं है, वो भी तैयार नहीं है। शिष्य बनना भी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना बहुत मुश्किल कार्य है, उसके लिए शरणागति का स्तर चाहिए। कितनी मुश्किल है ये शरणागति, तो ये बहुत सरल कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है ये। इस स्तर पे आना कि हम शरणागत, हम अभी शिष्यस्ते, हम अब मैं आपका शिष्य हूँ, ये वाक्य जो है ये कितने करोड़ों करोड़ जन्म के बाद और इवन साधु संघ में आने के बाद भी कब हम कितने लोग इसके लिए तैयार होते हैं कि शिष्यस्ते हम, ये वाक्य बोलना अभी मैं आपका शिष्य हूँ, इसके अंदर कितना तत्वज्ञान, कितना साक्षात्कार छुपा हुआ है इस वाक्य के अंदर, शिष्यस्ते हम अभी मैं आपका शिष्य हूँ। इसका मतलब मैं जान रहा हूँ कि मैं मूर्ख हूँ, मैंने अभी तक जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, जो मैं सोचा सब बेकार था, करेक्ट। तो कितना उसके अंदर मिथ्या अहंकार से आप ऊपर उठ गए, आपके सारे ये जो अटैचमेंट थे वो सब आपने छोड़ दिए, आप कितना कुछ, कितनी ऊँची अवस्था है ये, है ना। इसलिए जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सम्मुख अपने को प्रस्तुत किए तो वो इसी प्रकार से समूह में कि अभी ग्राम में व्यवहार है, ग्राम में व्यवहार में लोग मुझे पंडित मानते हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा पंडित हूँ कि मैं यही नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो सारे सब प्रकार के ये मिथ्या अहंकार को वो छोड़ करके, इतने बड़े पंडित थे वो, तो वास्तव में वो पंडित थे, लेकिन आजकल के लोग जो हैं कुछ नहीं पता है और फिर भी इतना बड़ा उनके अंदर अहंकार है। समान है, आप किसी से ही बात की जा कर के, तो ये कलयुग का लक्षण है, व्यक्ति जो है अत्यंत दम्भी हैं, इसलिए वो शिष्य होने के लिए योग्य नहीं है ज़्यादातर लोग। इसलिए पहले तो हमें प्रयास करना होता है, धीरे धीरे लोगों को, उनको वो शिष्य बनने के लिए तैयार हों, इसके लिए उनको तैयार करना। भगवद्गीता में तो भगवान ने क्या कंडीशन रखी है, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न यो माम अभ्यसूयति। ये भगवद्गीता का ज्ञान उसके लिए नहीं है जो, क्या अर्थ है इसका बताएंगे कोई इस श्लोक का, बताएंगे कोई श्लोक का अर्थ, आलोश्याम सुन, इदम ते ना तपस्काय, भगवद्गीता 18वां अध्याय, इदम ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन। तो वह बताते हैं कि ये भगवद्गीता का ज्ञान किसी को, किस को मत दो, कौन कौन इसका अधिकारी नहीं है इस ज्ञान को सुनने का। न तपस्काय, जो इंद्रिय भोग में लिप्त है वही जीवन का लक्ष्य मानता है, और न अभक्ताय, जो भक्त नहीं है, न चाशुश्रूषवे वाच्यम, जो सेवाभावी नहीं है, शुश्रूषवे, और माम यो अभ्यसूयति, या जो मुझसे ईर्ष्या करता है, वो लोग जो हैं भगवद्गीता को समझने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए उनको सुनाने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन संसार में सब लोग तो यही गुण वाले भरे हुए हैं, करेक्ट, भक्त नहीं हैं, दम्भी हैं, तपस्या तो बहुत दूर की बात है, कोई जीवन में पूरा है, सारे प्रकार के पापमय कर्मों से लिप्त हैं। ज़्यादातर लोगों का तो जीवन ऐसे ही है। तो फिर वास्तव में तो कोई भी व्यक्ति, जो अर्जुन का जो स्तर था जहाँ पर भगवद्गीता बताना शुरू किया, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम, ये कहाँ है, किसका स्तर है ये बहुत ऊँची बात है, तो किसी का स्तर नहीं है। इसीलिए पहले हमें क्या करना, इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है तो प्रचार करना बंद कर दो भी, है ना, क्योंकि भगवान की इच्छा है ना प्रचार हो, तो अभी ये हमारा काम है, अभी भगवान की इच्छा है प्रचार हो, भगवान तो बोलते हैं कि ये सबको पता होना चाहिए। यदम परमम गुह्यम मदभक्तेश अभिदास्यति, मदभक्ति पराम कृत्वा मामे वश्यति संशयः, जो इस ज्ञान को दूसरों देता है। इसको फ्लाइट मोड में रखना चाहिए ना, चलेगा नहीं, ओ इंटरनेट है, अच्छा। तो
तो क्या किया जाए फिर? तो इसलिए पहले हमें लोगों को तैयार करना होता है उनको, कि भाई आप अपना ये सब जो गलत सारी धारणाएं उसको छोड़ करके आप कृपया, आप उनको पहले शरणागति के स्तर तक लेके आना पड़ता है। तो उस स्तर में पहले प्रयास करना पड़ता है, उसमें अभी हम उनको प्रेम से मित्रता वक्त अलग अलग प्रकार से उनको हम बताते हैं, जो जितना जो जिस स्तर पे सुनने लायक है, तर्क से अलग अलग प्रकार से सबसे हम बताते हैं। लेकिन जब और ये उस स्तर तक लाने का भी तरीका यही है, प्रोसेस तो उसी प्रकार का है, श्रवणम, भगवान के विषय में बात करें। लेकिन भगवान का जो विषय होगा वो अलग प्रकार का विषय होगा, स्तर अलग होगा। जो लोग अभी भगवद्गीता में श्रद्धावान नहीं हैं, यहाँ बताया ना हम श्रद्धावान हैं, बताइए तो श्रद्धावान नहीं हैं, तो उनके लिए अभी उनका उनका विश्वास तर्क पे है, भाई हम तर्क ही सब कुछ बड़ा है। तो पहले तो उनको तर्क से ही समझाना पड़ेगा कि तर्क सब कुछ नहीं है, करेक्ट? पहले तो उनको ये, क्योंकि अभी उनका प्लेटफॉर्म तर्क से है, तो पहले तर्क से पहले उनको बताना पड़ेगा कि देखो तर्क अपूर्ण है, तो आप अपूर्ण तर्क से पूर्ण तत्व कैसे प्राप्त करोगे, करेक्ट? तो भगवद गीता ये प्रमाण तत्व क्या है? श्रवण ये जो है इंद्रियों का प्रमाण, इंद्रियों से जो हम सोचते हैं, हम सोचते हैं इंद्रिय जो 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 हम चीज़ ग्रहण करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, वही सही है, वो कैसे गलत है? पहले इस चीज़ को हमें उनको समझाना पड़ेगा और बड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर घमंड है, दम्भ भी है, सब प्रकार की चीज़ें हैं। तो उनको पहले ये बताएं और शास्त्र का कोटेशन, लॉजिक, तर्क सब प्रकार से धीरे 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 उनको इस स्तर पे लेके आएं कि शास्त्र प्रमाण, शब्द प्रमाण ही परम प्रमाण है। और फिर जब वो शिष्य होने के लिए तैयार हैं, तब फिर उनको वो, फिर वो गुरु क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो गुरु जो है शुरू से ही, अभी गुरु वो दीक्षा से पहले भी वो जब तैयार कर रहे हैं तब भी वो तो गुरु तो उनको उसी प्रकार से ही बताएंगे, गुरु तो वहीं शुरू से ही अभी, लेकिन वो तैयार नहीं है शिष्य गुरु स्वीकार करने के लिए, वो अलग बात है, पर संबंध तो वास्तव में वही है, लेकिन गुरु का कार्य तो वही है सब प्रकार से लोगों को ज्ञान देना। तो इसलिए गुरु का कर्तव्य है कि वो लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन आजकल जो है तथाकथित गुरु जो हैं उनको खुद ही ज्ञान नहीं है, वो क्या ज्ञान देंगे दूसरों को? उन्होंने कभी ज्ञान किसी गुरु से लिया हो तो उनको ज्ञान आया हो ना, वो तो सब सेल्फ मेड गुरु हैं, करेक्ट? सेल्फ मेड गुरु, अपने आप वो गुरु बन गए हैं। ऐसे जैसे यहाँ पर करंट लगा, ऐसे ही कई लोग हैं जो कि भाई हम कहीं काम करते थे, अभी अचानक हमें जो है एक दिन उठे सुबह को ब्रश कर रहे थे और अचानक दिव्य ज्ञान आ गया, हमें अचानक लाइट हो गया, अरे हाँ हाँ बतवा लग गया, तब से हम अभी गुरु बन गए, अब ऐसा करो अब ऐसा करो। ऐसे बहुत से लोग, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, हर व्यक्ति गुरु है, करेक्ट? सब अपना वीडियो बनाओ, चैनल बनाओ, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इसलिए आजकल तो लोग और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, अभी तो और कन्फ्यूज़ होंगे। पहले कोई व्यक्ति थे तो अपने हिसाब से प्रचार करते थे तो वो एक जियोग्राफिकल एरिया तक लिमिटेड रहता था, लेकिन अभी इंटरनेट के आने से तो हर व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध होना चाहता है और सब तैयार हैं बोलने के लिए। तो और उधर जो लोग सुनने वाले हैं उनके भी कोई वो नहीं है कि किसको सुनना है, क्या सुनना है, सब लोग सबको सुन रहे हैं जो अच्छा लगे। तो इसलिए माहौल बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन का है ये कलयुग के अंदर, और अधिक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो क्या किया जाए? तो जो सही विधि है उससे हम लोग प्रचार करेंगे, बताएंगे, और जो लोग भी कुछ सुकृतिवान हैं, किसी प्रकार से धीरे धीरे कुछ समझेंगे तो वो लोग सुनेंगे, जो लोग भी सुनेंगे वो लोग भी समझेंगे। लेकिन हमारा जो तरीका है प्रचार का वो यही है कि हम ज्ञान दें, सही चीज़ को बोलें, श्रवणम कीर्तनम, ये जो दो विधि हैं ये प्राथमिक विधि हैं।
श्रवणम और कीर्तनम। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने, आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी, और पुस्तकें लिखी मतलब कि उन पुस्तकें में अपना ये नहीं कि बस मन मन में जो भी आया, उन्होंने शास्त्र, शास्त्र हमारे आधार हैं। हमें समाज में लोगों को ये चीज़ बाबा बाबा बतानी होगी, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रों को रखिए, शास्त्रों को सुनिए। हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हम प्रवचन में भी हमें हमेशा से शास्त्रों को उद्धृत करना चाहिए। ये कल्चर हमें क्रिएट करनी है, ये संस्कृति लानी है, ये पूरे की प्रचार कैसे होता है, सही गलत की पहचान कैसे होती है, गुरु साधु शास्त्र, ये हमारी बहुत बड़ी चुनौती है, ये हमें स्थापित करना है धीरे धीरे। जैसे आप देखिए श्रील प्रभुपाद के इतने अथक प्रयास के कारण एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। कितने सारे लोग जो हैं अभी समझते हैं कि अरे भाई भगवद गीता है, भागवतम है, शास्त्र हैं, आज बहुत फिर भी चर्चा हो रही है रिलेटिवली। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते और जिस प्रकार से प्रभुपाद ने प्रचार किया वैसे नहीं होते, जैसे प्रभुपाद ने ये भगवद गीता यथारूप लिखी और इसका इतना मास स्केल पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, भागवतम का हुआ है, वेस्ट में प्रभुपाद गए वहाँ पर भी भगवद गीता, तो उससे पूरे संसार में एक बहुत बड़े पैमाने पर एक वैदिक ग्रंथ हैं और उसके आधार पर ये लोग बोलते हैं, एक आधार है, एक वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज प्रभुपाद ने पूरे संसार में स्थापित किया है, मॉडर्न फिलोसोफर्स के मध्य भी, कि ये फिलॉसफी जो है मन से नहीं, मेंटल स्पेकुलेशन से कुछ नहीं, आप ये फिलॉसफी एक भगवान से शुरू होनी चाहिए और परंपरा से आनी चाहिए, उस चीज़ को एक बहुत स्ट्रॉन्गली प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया है, जिससे एक बहुत बड़ा प्रभाव भी हुआ है संसार में। तो उसी प्रकार से हमारा भी यही कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद के उसमें, कि हम हमेशा से शास्त्रों पे आधारित हर चीज़, हमारा सोचना, जब हम नियमित रूप से शास्त्र पढ़ेंगे तो नियमित रूप से शास्त्रों के आधार पे बोलेंगे, जब शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं तो फिर उल्टा सीधा बोलेंगे, करेक्ट? आपने ये देखा होगा, अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं, अभी प्रवचन के लिए बैठा दिया तो फिर क्या, फिर कुछ ना कुछ मन में जो आया कुछ ना कुछ बोलेंगे। इसलिए पहले सुनना है, अच्छे से सुनना है, नियमित, जो अच्छे से सुनेगा वो अच्छे से सुना पाएगा, अच्छे से मतलब अधिकृत रूप से। तो इसलिए श्रवणम, इसलिए ये वो सुनने के लिए उत्सुक हैं परीक्षित महाराज को, क्योंकि उन्होंने सुना है अच्छे से, अधिकृत स्रोत से अच्छे से सुना है। वो बड़े आतुर थे परीक्षित महाराज सुनने के लिए 7 दिन तक, और सुखदेव गोस्वामी अधिकृत गुरु थे, उन्होंने उससे सुना, इसलिए ये अभी परीक्षित महाराज के विषय में शौनक आदृश्य सुनना चाहते हैं। तो इसलिए हमें भी जब हम प्रचार कर रहे हैं तो हमें लोगों को श्रवण करने की विधि में प्रशिक्षित करना होगा। लोग आएंगे कभी, ठीक है कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं लोग, किसी को भी अच्छा लगता है भाई हमें अभी सुनने में इंटरेस्ट नहीं, हम आपसे बताओ कुछ काम करना है, हमको सेवा करनी है, सेवा कर लेंगे हम, बहुत अच्छी बात है, वहाँ से जुड़िए। कई लोग ऐसे होते हैं उनको तुरंत एकदम से ये फिलॉसफी एकदम से उनको बहुत भाई होती है, भाई ये समझ में नहीं आता क्या है, इसमें हमारी रुचि नहीं है, हाँ बताओ ये ले आओ मार्केट से सब्जियाँ खरीद के ले आओ, कुछ जा कर के ये प्रोग्राम अरेंज करो, ये करो, उसमें मदद करो, वो अच्छा लगता है उनको, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जो जहाँ से भी आए वहाँ से वो आ सकता है, एंट्रेंस कहीं से भी हो सकती है, जो भी भगवान की सेवा के लिए अलग अलग किसी भी प्रकार से हम एंटर कर सकते हैं। किसी को बोलता है भाई हमें कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, नाचना बहुत अच्छा लगता है, हरे कृष्णा बोलना अच्छा लगता है, ठीक है वो करो। तो इस प्रकार शुरुआत, ज़्यादातर लोगों को तो प्रसाद करें, वो हमारा एंट्रेंस पॉइंट है ना, प्रसाद, प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा नहीं कि अरे क्या आप, तो हम उनको भर्सना नहीं करेंगे, आप तो प्रसादिया भक्त हो, प्रसाद नहीं, दैट्स गुड, आप प्रसाद से आकर्षित हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं से भगवान से आप आकर्षित हो रहे हैं किसी न किसी रूप से, अच्छी बात है। किंतु अगर अच्छे से प्रगति किसी की होनी है व्यवस्थित तरीके से, तो उसके लिए फिर ये ज्ञान का श्रवण करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा नियमित रूप से, नहीं तो उनकी प्रगति, वो प्रगति नहीं होगी, वो ऐसे नियोफाइट लेवल पे रहेंगे,
सेवा अच्छी होती रहेगी, चलता रहेगा सब। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा चीज़ हो जाएगा, कभी कोई दूसरे ने किसी ने कुछ गलत प्रचार कर दिया, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, या जीवन में कुछ ऐसा हो गया, कुछ घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो क्योंकि उन्होंने सुना नहीं ढंग से तो उनकी श्रद्धा अचानक एक दिन सब खत्म हो जाए। हम तो मंदिर जा रहे थे सेवा करने के लिए, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, हम तो सेवा करने जा रहे थे, भगवान ने हमको ऐसा किया, कैसे किया, हम भगवान के साथ, हमारा एक्सीडेंट, क्योंकि उन्होंने ढंग से सुना नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा हुआ। और कुछ भी, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, न्यूफाइड लेवल से हमें मध्यम स्तर पर तो आना होगा, तभी हम टिकेंगे, नहीं तो कभी भी एक दिन अचानक आउट हो जाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग भक्ति में आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि उनकी प्रगति नहीं हुई, वो कनिष्ठ में ही रह गए, तो वो तो आए और कुछ समय रहे और कभी भी परिस्थिति कुछ भी बदल गए, चेंज हो गए। इसलिए हमें प्रचार में भी हमें हमेशा से बल देना है कि प्रभुपाद पुस्तकों को पढ़ना है, प्रभुपाद प्रवचनों को पढ़ना है। अभी हमारे प्रवचन सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन अभी इन प्रवचनों के माध्यम से हमें क्या सिखाना है, प्रभुपाद पुस्तक पढ़ो। हम प्रवचन ये इसलिए क्योंकि अभी प्रभुपाद के ये वीडियो लेक्चर लोग जो है लाइव नहीं देखना चाहते हैं, और नए लोग हैं उनको भी प्रभुपाद कब का वो ज़माना था, अभी लोग ये इतना ब्राइट कलर्स और बहुत, तो वो अभी वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो लोगों को वो आरंभिक लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लेंगे, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं। लेकिन हमारा ये अभी कर्तव्य है कि हम लोगों को प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस कराएं, ये हमारा कर्तव्य है, हम उनको ट्रेन करें प्रभुपाद को सुनने में। जैसे एक एक पढ़ रहे हैं, एक एक तात्पर्य पढ़ो, जहाँ देखो प्रभुपाद यहाँ ये बोल रहे हैं, ऐसे करके धीरे धीरे लोग जो हैं अभ्यस्त होंगे प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने में, करेक्ट। आप लोग यहाँ प्रभुपाद प्रवचन भी चलाते हैं मंडे, तो उसी प्रकार से धीरे धीरे लोगों को प्रवचन सुनने का भी अभ्यास बनाना पड़ेगा, कॉन्ग्रीगेशन को भी कभी कभी रख के प्रभुपाद लेक्चर सुन देंगे, अभी ट्रांसलेशन करो, देखो प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, प्रभुपाद कैसे प्रचार करते थे, वो भी प्रचारकों को वो भी सिखाना होगा, देखो प्रभुपाद कैसे बोल रहे हैं, प्रभुपाद स्ट्रांग बोल रहे हैं, यहाँ ये बोल रहे हैं प्रभुपाद, यहाँ ऐसा बोल रहे हैं, है ना। ऐसी पुस्तकों में देखो, अभी जैसे यहाँ पर आया, पुस्तक में आया प्रभुपाद बोल रहे हैं, वो तथाकथित एक सो कॉल्ड गुरु, प्रभुपाद यहाँ गलत क्या है वो भी तो बता रहे हैं, प्रभुपाद केवल ऐसा नहीं बता रहे कि भाई सही सही बता रहा हूँ, गलत नहीं बता, ऐसे नहीं। तो हम पढ़ेंगे अगर प्रभुपाद पुस्तक तो पता चलेगा ना कि क्या कैसे होना चाहिए प्रचार। तो इसलिए एक तो ये बात है, दूसरी बात है कि ये फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी जो है, क्योंकि लोग अभ्यस्त नहीं हैं, और आजकल के ज़माने वही एक एक मिनट के वीडियो और थोड़ा सा ऊपर से देख लिया वो बस, लेकिन ये जो गहरा तत्व ज्ञान है धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बैठो सुनो प्रभुपाद पुस्तक पढ़ो साथ में, उसके वाक्य को समझाओ, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं थोड़ा सा उनको एक समझाने, तुरंत हो सकता है उनको एकदम से ये लैंग्वेज और ये सब एकदम से समझ में नहीं आया, तो हमें उनको समझाने का एक अभ्यास देना पड़ेगा, जब ये ऐसा कहा था इसका अर्थ ये है, बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ बतानी पड़ेगी, जैसे कर्म जब कहा जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, दिव्य का मतलब क्या है, या कर्मफल, क्योंकि लोग आजकल ये भी चीज़ भी नहीं जानते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में भी नहीं जानते हैं, तो हमें थोड़ा सा उनको और ज़्यादा उनके लेवल पर आकर के और थोड़ा विस्तार से उनको समझाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा सिस्टम, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ो और फिर उस तात्पर्य को उसको इलेबोरेट करो, उसको और बढ़ाओ वहीं से, उसको और विश्लेषण, तो लोग जो हैं धीरे धीरे, हाँ एक तो एप्रिसिएशन बढ़ेगा उनका, प्रभुपाद हाँ रे प्रभुपाद ने कितना अच्छा बताया, सही बताया, और वो अभ्यस्त होंगे प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने के लिए, प्रभुपाद के प्रवचन सुनने के लिए। इसलिए हमें ये प्रचार में हमें पकड़ के रखना है कि श्रीला प्रभुपाद पुस्तकें, श्रीला प्रभुपाद के प्रवचन, है ना, इसको हमें प्रमोट करना है अच्छे से। जो आप देखो श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़े बिना ना, आप देखो कोई भी व्यक्ति ढंग से उसकी वो स्थिर नहीं बन पाता है, चाहे वो 5 साल से आ रहे हों, 10 साल से आ, लेकिन अगर उन्होंने ढंग से उनकी रेगुलरिटी उनकी नहीं आई है प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने में, तो उनकी भक्ति में प्रगति अच्छे से नहीं होती और वो स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए हमें भी ये सीखना है, अभी हम नियमित रूप से प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ेंगे तभी तो हमारे अंदर उत्साह आएगा कि हम दूसरों को बोलेंगे और तभी हम भी ढंग से स्थित हो पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, हमारे प्रचार का केंद्र है यही प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद पुस्तक वितरण करना, पढ़ने के लिए फिर प्रवचनों के द्वारा
प्रभुपाद की पुस्तकों को समझाना और लोगों को प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये प्रचार का हमारा केंद्र होना चाहिए। इसलिए फाउंडेशन है ये बुक्स, क्योंकि ये ज्ञान दिव्य ज्ञानम ये तो दद्यात, यहाँ से ज्ञान आ रहा है। नहीं तो बाकी सब लोग ऐसे ही मनोरंजन करना, कुछ भी ऊपर ऊपर सुपरफिशियल करना, तो उससे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी लेकिन किसी का भला नहीं होगा। तो हमें उसमें रुचि नहीं है। प्रभुपाद ने हमको वो नहीं सिखाया है, तत्व ज्ञान देना है। कितना सारा ज्ञान है आप देखो, कितने सारे श्लोक हैं और एक एक ज्ञान में कितना है, कितना हमारे पास बोलने के लिए है ना, कितना हमें लोगों को समझाने के लिए है ना। तो यही पद्धति हमारी है कि हम बार बार भगवद्गीता से, विशेष रूप से भगवद्गीता से, जो आरंभिक लोग हैं भगवद्गीता से उसको बाबा 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 बोले, और बाबा बोलना पड़ेगा। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि लोग बहुत उनकी इतना आवरण, हमारे ऊपर भी ऐसे ही आवरण था ना, हम भी ऐसे ही थे, बहुत आवरण मोटा है, उसको काटने के लिए बार बार धैर्य भी रखना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक बार 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 चीज़ों को बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और लोगों की शंकाएँ भी होंगी और उनके चैलेंज भी होंगे, तो उसको भी हमें धैर्यपूर्वक उनको बार बार समझाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन एसेंस ये है कि आध्यात्मिक जीवन का आधार है कि ज्ञान, कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, उसको सुनना सुनाना, उसको सुनना सुनाना, ये हमारा बेसिस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? जिसे आपने कहा कि सब जीव में सेवा वृत्ति है, सेवा वृत्ति होती है, तो चाहे माता जी हो या प्रभु जी हो, तो न्योफाइट आते हैं सेवा में, तो किसी को इच्छा होती है सेवा, तो कई लोग ऐसा मैं नहीं कह रहा सब में सेवा वृत्ति होती है, मैंने कहा कुछ लोगों को ये चीज़ पहले आकर्षित करती है कि हम कुछ सेवा कर लेंगे। अभी ये सुनना जो है फिलॉसफी, उसमें तुरंत उनकी रुचि नहीं होती है, कुछ लोग ऐसे ऐसे मैंने सेवा करने आते हैं तो कई बार हम नियम बताते हैं, कभी आप नियम पालन नहीं करते इसलिए आप सेवा नहीं करेंगे। स्पेशली कुकिंग, यानी कुकिंग में ऐसा होता है, मैं कल वो 56 भोग का तैयारी कर रहा था, तो एक दो बार वो माता जी आते थे, तो हमारे माता जी ने बोला कि आप नियम पालन नहीं करते, वो उसको तुरंत ऐसे ही बोल दिया, तो किसी को हार्ड होता है, तो तब ऐसी परिस्थिति में या प्रभु जी और माता जी तब क्या करना चाहिए? तो हमें एक तरफ तो सबको सेवा में लगाना है, क्योंकि सेवा में नहीं लगेंगे तो उनको कुछ आगे प्रगति नहीं होगी। एट द सेम टाइम सेवा का स्तर भी है, स्टैंडर्ड भी है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें हैं। एक लेक्चर है गुरु महाराज भी दिए कुछ दिन पहले, भक्ति विकास स्वामी महाराज एक्चुअली अभी नहीं दिए, बहुत पहले दिए थे, इंक्लूसिवनेस एंड एक्सक्लूसिवनेस। एक तरफ है हम सबको लेना चाहते हैं और एक है कि हम शुद्ध परम शुद्ध स्तर को भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ कभी कभी विरोधी लगती हैं, क्योंकि सबको लेके चलना है तो फिर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा, स्टैंडर्ड लेके चलेंगे तो सब नहीं आएंगे। ये पहले हमेशा का ये प्रश्न है ना। जब श्रीला प्रभुपाद के शिष्य वहाँ मायापुर में थे तो दो मठ में गए अलग अलग जगह, उनको बुलाया था, तो एक मठ में देखा तो सब बहुत स्ट्रिक्ट, बिल्कुल नियम पालन कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, और लेकिन बहुत कम भक्त हैं। दूसरे मठ में गए, बहुत सारे भक्त हैं लेकिन नियम पालन नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद से उन्होंने आके पूछा, प्रभुपाद हमें कौन सा मॉडल रखना है? सो प्रभुपाद बोले दोनों। तो हमें क्वांटिटी भी चाहिए क्वालिटी भी, कैसे संभव है ये? यानी कि हमें दोनों तरफ ही प्रयास करना पड़ेगा कि क्वालिटी हो लेकिन क्वांटिटी हो, लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करके नहीं, क्वालिटी को रखते हुए हमें करना है। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा भी नहीं बोला, ऐसा भी है, प्रभुपाद ने बोला कि ये हम अपने इसको कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे एक उसके लिए, तो कैसे करेंगे? तो अलग अलग स्तर पर लोग अलग अलग स्तर पर उनको हम एंगेजमेंट देंगे। एंगेजमेंट सबके लिए है, ठीक है। अभी अगर आपको भगवान के लिए भोग बनाना है तो उसका एक स्तर है, उस सेवा का,
हाँ आपका जो स्तर, आप जिस स्तर पे, उसके लिए भी कुछ सेवा हमारे पास होनी चाहिए। तो हम यह नहीं कह रहे आप कुछ सेवा नहीं कर सकते, करेक्ट, लेकिन हमें भगवान की सेवा करनी, तो धीरे धीरे हमें उसके नियम हैं, भगवान की सेवा कैसे होती है हमको सीखना होगा, हमें उसके लिए तैयार होना होगा, तो वो उनको धीरे धीरे हमें समझाना चाहिए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति के लिए एक सेवा हो, वो हमें दिमाग लगाना है। नए लोग जो आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, किसी भी स्थिति में आ रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद के पास वो आया था एक, जब प्रभुपाद कक्षा ले रहे थे वहाँ पर अमेरिका में, तो एक हिप्पी, हिप्पी मतलब वो लोग होते हैं चरस गांजा और वो सब LSD वगैरह लेकर के हमेशा ऐसे उनके उसमें रहते थे वो लोग प्रभाव में। तो एक व्यक्ति आया और वो क्या बोलते हैं उसको, टॉयलेट पेपर, वो एक रोल जो है वो रख करके चला गया। तो श्री प्रभुपाद ने उसको अप्रिशिएट किया कि ही हैज़ स्टार्टेड सर्विंग कृष्णा, करेक्ट। तो अभी ना तो प्रभुपाद उसको कभी यूज़ करने वाले हैं उस टॉयलेट पेपर को, करेक्ट। तो वो, लेकिन उसके अनुसार उसे यही समझ में आया कि यही कुछ चीज़ है जो मैं दे सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने, ठीक है, ओके गुड, कुछ किया। तो इस तरह से हमारा ये भावना होनी चाहिए कि लोगों को हम लोग जब देख रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं लगे कि वी आर रिजेक्टिंग देम। तो ये थोड़ा सा इसमें एक्सपर्टनेस भी चाहिए कि लोगों के अंदर ऐसी भावना नहीं आ जाए कि वी आर रिजेक्टिंग, नहीं 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 आप कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, आप जाओ यहाँ से। ओवरऑल उनको लगना चाहिए कि वी आर वेलकम, आप हम लोग हम चाहते हैं कि आप, आपका स्वागत है यहाँ, ऐसा एक माहौल उनको मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम उनको ये भी एक समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर नियम पालन होते हैं, है। तो दोनों चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। तो उनको एक तो प्रेम से समझाना होगा, कई बार क्या होता है जो कॉन्ग्रीगेशन है या नए लोग हैं, अब उनको बताते हैं देखिए यहाँ पर ये नियम है, अभी उनको क्या होता है वो जैसे ही कोई आता है, हे आप कैसे यहाँ से, तो अभी तो वो थोड़ा हमें, जो भी हमारे कॉन्ग्रीगेशन हैं जो भी, उनको भी हमें साथ साथ ट्रेन करना पड़ेगा कि देखिए जो लोग आ रहे हैं उनके साथ आपको कैसे डील करना है। कई बार हमने उनको बताया देखिए माता जी ये नियम है, लेकिन अभी उनको ये कैसे दूसरों को बताना है, वो उनको इतना प्रशिक्षण नहीं होता है, तो वो एक बड़ी अभद्र तरीके से बोल देते हैं। तो वो भी हमें साथ साथ ट्रेन करना होगा कि ऐसी स्थिति हो, जब भी ऐसी हो तो आप उनको बोलिए कि आप, कोई भी आपके पास आ रहा है तो आप बोलिए कि यहाँ पर ये सिस्टम है कि सेवा में कौन आएगा कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप प्रभु जी हैं, आप पहले एक बार उनसे मिल लीजिए, वो फिर बताएंगे। तो जनरली हम इस प्रकार का समझते हैं, कोई कॉन्ग्रीगेशन है तो उनको खुद मत बोलो कि आप बताओ, क्योंकि अगर वो जब तक तैयार नहीं, मैच्योर नहीं हुए हैं बोलने के लिए, नहीं तो वो लोगों को फ्राई कर देंगे फिर। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो ग्रुप है उसमें से सब लोग कौन लोग हैं जो डील कर सकते हैं लोगों के साथ, वो भी इनको प्रशिक्षण हो साथ साथ, कि जब पब्लिक आ रही है तो पब्लिक के साथ कौन डील करेगा निर्धारित कीजिए, कोई भी आएगा इशू, कोई भी आएगा कौन डील करेगा, बाकी लोग नहीं करिए, एक कीजिए या तो ऐसा कुछ बताइए। तो एक तो पॉइंट कि कोई भी आया है उसके लिए कुछ सेवा हमारी होनी चाहिए। उन्होंने बोला माता जी आप ये सेवा, थोड़ा इसके कुछ नियम हैं, तो ये धीरे धीरे आप आएंगे तो अच्छी बात है, हम बहुत अच्छी बात है आप आ रहे हैं, ये करना चाहते हैं, लेकिन इसमें ये नियम है कि जो इस प्रकार से दीक्षित होते हैं वो करते हैं या इस प्रकार का है, लेकिन आपके लिए हमारा बहुत अच्छी और सेवा है, आप ये करना चाहेंगे, आप ये वाली सेवा करना चाहेंगे, ऐसा कुछ रखो नए लोगों के लिए कि वो कुछ कर सकें। जैसे सब्जी है तो कुछ ये कुछ काटना है, कुछ कुकिंग के अलावा जो बाकी की है, क्योंकि माताओं को क्या होता है, अभी माताओं को तो यही सेवा है जो उनको कर सकते हैं वो, करेक्ट। तो ये जो है सब्जियों को, जो कुकिंग के अलावा की जो बाकी चीज़ें हैं, है ना, तो उसके लिए हमें फिर उनको, हम उनको उसमें लगा सकते हैं, है ना। तो उनको बताएं कि आप ये चीज़ कर दीजिए, जो कुकिंग वाले जो है उसके लिए कुछ अलग एक नियम होते हैं, आप भी उसमें एक दिन तैयार होंगे, हमारी ऐसी इच्छा आशा है, तो अच्छी बात है, लेकिन अभी आप ये चीज़ें कीजिए, ऐसा हम उनको बोल सकते हैं। अपने 18वें अध्याय में बोला ना कि किन लोगों को हमें यह भगवद गीता का ज्ञान नहीं बताना चाहिए, ऐसा भगवान के मतलब वो भगवद्गीता के ज्ञान को भी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें उनको अभी भगवद्गीता को ज्ञान को समझने के लिए पहले तैयार करना पड़ेगा, ये मैंने बोला नहीं। क्योंकि संसार में सारे लोग तो ऐसे ही हैं, तो फिर किसे जाके भगवद्गीता सुनाएंगे
इसलिए भगवत गीता सुनाने के लिए पहले उनको तैयार करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर जो हमारा प्रचार है वो तो अभी पहले भगवत गीता को सुनने के लिए तैयार करने का प्रचार है। जब वो श्रद्धावान बनते हैं तब वास्तव में भगवत गीता समझ पाते हैं। तो वास्तव में जब वो श्रद्धावान बनते हैं, जब वास्तव में गंभीर बनते हैं भक्ति के लिए, अभी जब शरणागति होती है तब जाकर के एक्चुअली भगवत गीता का अध्ययन तब शुरू होता है। जैसे होता है नर्सरी LKG वो कोई कक्षा नहीं मानी जाती है। कक्षा तो वास्तव में जो ऑफिशियल है वो क्लास 1 होती है, लेकिन अभी क्लास 1 से पहले भी अभी LKG बहुत सारी चीज़ पहले करनी पड़ती है, वो तैयारी है। तो इस तरह हमारा प्रयास है, हमारा जो प्रचार है वो ज़्यादातर क्या है, अभी भगवद्गीता को समझाने की तैयारी है पहले। तो उसमें अब तभी बोला गया है ना कि जो भक्त नहीं है उनको भी नहीं बताना चाहिए, तो हम बताएंगे तो धीरे धीरे जाते भक्त बनेंगे तैयार। इसलिए मैं तैयारी करानी है ना उनकी। अभी आप बोलेंगे श्री कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्या, बस सब धर्म पर आकर आप आ जाओ, अब आप कल से ऐसा कर दो। तो अभी वो बोलेगा अभी कृष्ण में मुझे विश्वास ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, ये तो अहंकार हो गया ऐसे बोलते हैं। तो हमें अभी उसको फिर पहले बताना पड़ेगा कि कैसे कृष्ण भगवान है। तो वो हो गई तैयारी। अर्जुन तो भगवद्गीता शुरू कहाँ से हुई, शिष्यस्ते हम शादी मां, ठीक है, तब जाकर के वो अप्रिशिएट कर पाया हाँ ये पूरी भगवद्गीता में शरणागति का ये जो है सर्वधर्मान परित्यज्या मतलब क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब चीज़ समझ पाया। लेकिन शरणागति हुई उसके बाद, तो जिनकी शरणागति नहीं है उनको हमें पहले तैयार करना पड़ेगा, देखो कृष्ण भगवान हैं, आप जीव हो, आप क्यों शरणागत आपको होना चाहिए, ये सब उसको बताना पड़ेगा। तो हम वो बता रहे हैं, वो बताना है, अभक्त हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें, मैंने इसलिए आपको बताया कक्षा में कि सभी लोग तो ऐसे ही हैं तो फिर जाके प्रचार किसको करेंगे। तो प्रचार करना है भगवद गीता को वो सुन समझने के लिए तैयार हों उसके लिए पहले प्रचार करना है ना। प्रचार नहीं करना नहीं बोला, प्रचार का स्तर क्या है, जो लोगों की जो स्तर है उसके आधार पर उनको पहले बताना पड़ेगा, पहले उनको तैयार करना पड़ेगा। वो नास्तिक हैं, हम नहीं मानते भगवान हैं, उनको बताएं नहीं नहीं अरे भगवान बोले भाई शरण, अरे हम जानते ही नहीं भगवान है, अरे नहीं नहीं भगवान बोले इसका क्या मतलब है। जब वो बोल रहा है कि मैं मानता ही नहीं हूँ कि भगवान है, आप बोल रहे नहीं अरे भगवद गीता बोला, अरे भाई मैं मानता ही नहीं हूँ भगवद गीता को। तो पहले उसको इस लेवल पे लाना पड़ेगा ना कि भगवद गीता को क्यों तुम्हें मानना चाहिए, है ना। एक प्रश्न था कि हम घर पे जाते हैं तब यानी ऐसे पहन के जाते हैं किसी के भी गाँव तो क्या लोग मिलते हैं ऐसा, हम जब घर जाते हैं तो पैंट शर्ट पहन के जाते हैं। हम नहीं जाता, कहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं, घर पे गया तो अपने घर बोलो हाँ, घर पे जाते हैं मतलब सब किससे घर जाते हैं मेरे घर हाँ। तो मुझे लगा कि आप सब प्रचार करने के लिए पैंट शर्ट में आते हैं हाँ। बच्चे मिलते हैं, कोई भी मिलते हैं तो बच्चे गलत गलत संग होता है उनका, यानी कि गलत फिलॉसफी होती है, यानी उनको भक्ति दे पाना किसे संभव होगा ऐसा, यानी भगवान है ऐसा बोलना भी यानी। तो आप जैसे ऐसे आप सुनो धीरे धीरे नियमित रूप से कि प्रभुपाद कैसे प्रचार करते हैं, प्रभुपाद कैसे बोलते हैं, कैसे समझाते हैं, जैसे प्रभुपाद समझाते हैं जैसे आपको समझ में आया सुन करके, फिर वही चीज़ आप उनको बताओ धीरे धीरे, है ना। कैसे फिलोसफी समझाएं, कैसे आपको समझ में आई फिलोसफी, प्रभुपाद ने आपको कैसे समझाया, तो वैसे ही आपको उनको समझाना है, ठीक है। तो जी कोई नए हैं जो बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, अभी तो शिष्य बने नहीं तो उसकी अशुद्धता अभी नहीं हुई, अशुद्धता यानी शुद्धता वो शुद्ध नहीं हुआ, तो कहाँ तक उसकी शुद्धता होनी चाहिए या फिर वो शिष्य बनने के लायक बन सकता है। तो शिष्य के है ना, शिष्य बनने के लिए उसको आधारभूत रूप से पता होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य भगवान को समझना, और भगवान को समझ करके जो हमारा संबंध है उनके अनुसार कार्य करना, ये जीवन का लक्ष्य है। उसको पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, उसको पता होना चाहिए कि भगवान को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है, उसको पता होना चाहिए गुरु किसे कहते हैं, गुरु के लक्षण क्या हैं,
तो ये सब जो आधारभूत चीज़ें हैं ये उसको पता होनी चाहिए, तब जा करके वो योग्य बनता है। तो आपने कि प्रचार में हम किसी का नाम नहीं देते हैं ना, कुछ जनरल पॉलिसी कभी कभी ले सकते हैं बट नॉट रेगुलर। ये एक हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं बोलते हैं तो कौन। आपके लेक्चर में गुरु महाराज मेरे को सुना था कि दीक्षा के बाद भी वो यानी यही प्रचार कर रहे थे कि साईं बाबा की कृपा से मुझे भक्ति मिली है। तो साईं बाबा का नाम लिए बिना उनके फिलॉसफी तो हम काट सकते हैं नहीं, यानी ये जो जहाँ पर ये नहीं बोला जाता वहाँ पर उसकी ये धारणा आने के बाद भी हुई थी क्योंकि उनकी कृपा से मुझे कृष्ण भक्ति मिली है। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल नाम ना बोलने के कारण ऐसा हुआ, वो कारण उसके ये भी होता है कि वो पढ़ ही नहीं रहे हो पुस्तक, क्योंकि अगर पुस्तक पढ़ेंगे नियमित रूप से तो समय में आना चाहिए था उनको। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई साहिब आओ तो उसका कारण ये था कि उनको नाम नहीं बताया गया इसलिए ऐसा हो गया। यानी हो सकता है कि जैसे जिज्ञासु भी एक स्तर पे वो नहीं है कि भाई कोई बोल रहा है तो भाई इसका उदाहरण क्या है, समाज में ऐसे कहाँ पर लोग पाए जाते हैं कि जो इस प्रकार का प्रचार नहीं। लेकिन जैसे जैसे प्रभुपाद आप यहाँ बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट लगा, तो अभी वो पढ़ेगा जब जिनकी बात हो रही है यहाँ पर कि भाई ओ इलेक्ट्रिक करंट, तो अरे हाँ यही चीज़ प्रभुपाद बोल रहे थे, हाँ यही लोग हैं, है ना। तो जैसे महाराज जी बोलते हैं हाँ, वो थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोलते हैं, बहुत सारे राम हैं, बापा हैं, आपा हैं इन जनरल। तो जनरली नाम लेने से लोगों की जो एकदम से एक वो एकदम से इतने कुपित हो जाते हैं कि वो फिर आगे कुछ सुन ही नहीं पाते हैं। जैसे ये बुक थी मदर्स मास्टर बुक, तो अभी उसका जो ऊपर जो वो था फोटो और जो उसका टाइटल था, तो अभी वो पढ़ते ही बुक बंद कर देते, देखते अरे भाई आई तो। तो अभी महाराज ने देखा कि ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पर्पस था वो डिफीट हो रहा है। तो ठीक है, आपको कुछ इसके सॉफ्ट चाहिए तो हम सॉफ्ट इसको थोड़ा सा, मदर्स नॉट मास्टर्स पहले ये था टाइटल, फिर वो गया मदर्स एंड मास्टर्स, और फिर थोड़ा सा उसको, तो क्योंकि वो पर्पस कम से कम सॉल्व होना चाहिए कि लोग उसको कम से कम खोल के आगे पढ़ें, हाँ नहीं तो वो आगे से पूरा वो हो जाएंगे। तो इसलिए एक लेवल की प्रैक्टिकलिटी भी लेके चलनी पड़ती है समाज में हम कैसे ऑपरेट हो रहे हैं। कम्प्लीटली उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वो भी एक साथ में लेके चलना है। तो जैसे ये नाम जो लेना है तो जनरली प्रभुपाद की जनरल पॉलिसी प्रभुपाद बोला है डोंट टेक नेम्स इन जनरल, कभी कभार ले सकते हैं बहुत ही एक्सट्रीम जरूरी है तो, लेकिन इन जनरल पॉलिसी हो, क्योंकि जनरली उससे क्या होता है लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, वो आगे सुन ही नहीं पाते, उनका दिमाग ये हो जाता है पूरा। और आज के ज़माने में यूट्यूब जो है यूट्यूब सिस्टम ही आगे नहीं जा सकती अगर ऐसे कोई टाइटल होते हैं तो, ये भी है यानी यूट्यूब ही नहीं पहुँचाने देता देख लोगों की तरफ, ब्लॉक कर देते होंगे उसको। तभी अगर सोशल मीडिया पर प्रीचिंग ऐसा हो रहा है ज़्यादातर तो फिर टाइटल भी ऐसे तो, और वो ठीक है, हम लोग बेसिकली हमारे को फिलॉसफी तो उसको काटनी, हमारा तो बेसिकली जो मॉडलिटी वो यही है ना, हम लोग फिलॉसफी टच कर रहे हैं, हमारा तो मुख्य उद्देश्य है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमारा कुछ बोलना वो नहीं, हमारा तो वो बेसिकली हमारा कंटेंशन जो है, हमारा जो मुद्दा है वो उसकी गलत बातों से है, तो उसको हम काटें अच्छे से, क्यों गलत है, क्यों है शास्त्र के आधार पर ऐसे क्यों नहीं है, तर्क के आधार पर सब तरह से उसको हम काटें, वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। वो बुक है ना प्रीचिंग स्ट्रांगली, उसमें मतलब उसमें लिखा है कि एक्सपर्टनेस है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, बिना लोगों को वो किए अच्छे से वो फिलॉसफी पूरी उतर जाए, दैट इज़ द बेस्ट। यानी भी है कि भाई वो फिलोसफी अगर एक्सेप्ट कर लेता है कि कोई भी जगह जाता है उसको ऐसा कुछ चीज़ गिरा हुआ मिलता है तुरंत वो सोचेगा कि ये सही नहीं है ऐसा अपने आप। या ठीक है।
आपने भी कहा कि जैसे लोग मतलब गुरु लोग होते हैं, आपने विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण दिया, आपने ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो चैतन्य अगर महाप्रभु के जीवन काल में भी ऐसे कुछ हुआ था तो उससे और इससे कैसे ले? क्या चीज़ हुआ था कि वो जिसे भी हाथ लगाते मतलब टच करते थे तो हरी बोल ऐसी कुछ लीला मैंने पढ़ी थी, तो वो और इसमें क्या अंतर? तो उसमें एक तो ये अंतर है कि चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अंतर आपने पूछा ना, अंतर आपने पूछा ना, तो मैं अंतर बता रहा हूँ ना। तो ये अंतर है कि नहीं है? अंतर तो हुआ ना उस पूरे इंसिडेंट में जो मैंने बताया, उसमें भाग आया कि लगाया और ये हो गया। उसका एक पार्ट ये है कि उनका ज्ञान खत्म हो गया, तो अभी मैं बताना तो पड़ेगा ना अंतर क्या क्या है। तो अंतर ये है कि नहीं है? है। अभी जब उनको वो लगाया तो वो हरी बोल बोलने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु की पूरी चैतन्य चेतन में चैतन्य जहाँ भी जाते थे कीर्तन करना और भगवद गीता भागवतम से ज्ञान देना, करेक्ट। तो उनके संपर्क में आने से तुरंत एक उनको चेतना में प्रगति हुई, पर उसका चेतना में प्रगति वास्तव में हुई इसका प्रमाण है कि उनको सही ज्ञान मिला, और चैतन्य महाप्रभु वो सही ज्ञान मुंह से ही बोल रहे हैं, करेक्ट। तो उन्होंने ये नहीं कि बस केवल इलेक्ट्रिक कनेक्शन ही है बस, बाकी और कुछ बोलना नहीं है ना कुछ सुनना है, करेक्ट। तो ये अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हा? तो यस, वो प्रभाव है, पर वो प्रभाव प्रभाव होना चाहिए, वो ढोंग है, वो प्रभाव नहीं, वो इलेक्ट्रिक करंट वो ढोंग है, क्योंकि उससे हम दिख रहा ना यहाँ कुछ ज्ञान आया नहीं, करेक्ट। ना कोई बोलने की इच्छा प्रयास किया गया कि शास्त्र में से, बस यही अपने आप में प्रोसेस कंप्लीट हो गया बस, तो ये फिर गलत है ना, ये अलग अलग है। तो अंतर है ना इसमें, करेक्ट। ओके, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।